मेरा नाम मिथिलेश देवी, मैं मेरठ से हूँ। पेट में थोड़ी परेशानी हुई, ब्लीडिंग शुरू हुई तो हमें वहाँ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आप फोर्टिस जाओ, हम फोर्टिस आए। मिथिलेश देवी जी जब हमारे पास आई थी तो उनका मुख्य परेशानी थी कि उनको नीचे से ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होता था। हमारे यहाँ के सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन हैं, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल के बाद बायोप्सी से ये बताया था कि उनको बच्चेदानी का कैंसर है। पेट सिटी कराने के बाद कहा कि इनका ऑपरेशन होगा, नॉर्मल है, अभी फर्स्ट स्टेज में है, कोई ऐसी बात नहीं है, डरो मत। हमने कहा ठीक है सर। मिथिलेश देवी जी को जब एंडोमेट्रियल कैंसर यानी बच्चेदानी के कैंसर का पता चला था, तब ना उन्होंने हिम्मत हारी थी, ना उनके बच्चों ने ये जताया था कि ये कैंसर कैसे हो गया और हमारी माँ को कैसे हो गया। उन्होंने सिर्फ एक डिसीजन लिया था कि डॉक्टर साहब जो आपको करना है वो सबसे अच्छा कीजिए, हमारे लिए हमारी माँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ऑपरेशन करा, फिर हमारे को रुचि मैडम ने देखा, उन्होंने सिखाई करी फाइव, जब सिखाई करी तो उनके बाद से अब हम उन्हें तीन तीन महीने में इन्हें दिखाने आ रहे हैं, बिल्कुल सही हैं, मेरी मदर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने उनकी सर्जरी करी, 3 घंटे सर्जरी चली जिसमें हमें उनका यूट्रस अलोंग विद सारे लिम्फ नोड्स को हमने निकाला, और जो उनकी सर्जरी के बाद स्टेज आई उसमें सर्जरी के बाद उनको रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ी थी। डॉक्टर शुभम का बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी मम्मी को सही करा और बहुत सही है। आज सर्जरी के 1.5 साल बाद मिथिलेश देवी जी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, और हर 3 महीने पे हमें आके ओपीडी में मिलती हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ना अस्पताल ना डॉक्टर बनके, परंतु आपके एक फैमिली मेंबर की तरह हम आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा बने और हम अपना योगदान आपके कैंसर के इलाज में अच्छे से दे पाए। धन्यवाद।